बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के इंदौर में एक कार अचानक तालाब में जा गिरी। हादसे के वक्त कार में 12 साल की एक बच्ची बैठी थी। बच्ची अपने माता पिता के साथ वहां पर पिकनिक मनाने पहुंची थी। इंदौर के पास लोधिया कुंड झरने में कार गिर गई। कार में 12 साल की बच्ची बैठी हुई थी, जिसे बचाने के लिए उसके पिता भी कुंड में कूद गए। आसपास के लोग भी बचाने के लिए कूद पड़े। बेटी और उसके पिता को कुंड से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गनीमत ये रही कि पास ही में कुछ लोग खड़े थे, जिनमें से एक युवक सुमित मैथ्यू तैरते हुए कार के पास पहुंचा और डूब रही बच्ची को सही सलामत बाहर निकाल लिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बरसाती नाले के उफान में एक कार फंस गई। महिलाओं के चिल्लाने की आवाजें आने पर आसपास के लोगों ने उन्हें बचाया। बरसाती नाले में अचानक आए पानी के बहाव में फंसी कार। कार के अंदर से महिलाओं के चिल्लाने की आवाज आने के बाद स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। स्थानीय लोग और राहगीर कार तक पहुंचे और महिलाओं को एक एक कर गोद में लेकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। पुलिस की गैर मौजूदगी में इन लोगों ने कार सवार सभी लोगों को बचा लिया। नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर संत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर दर्जनों लग्जरी गाड़ियों में सवार लोग सनरूफ खोलकर रील बनाते नजर आ रहे थे, उसकी वजह से एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम देखा गया। ग्रेटर नोएडा के व्यस्ततम यमुना एक्सप्रेसवे पर कार सवारों ने स्टंट किया और रील बनाई, जिसे बाद में सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम समेत दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करके वायरल कर दिया। ये वीडियो करीब 43 सेकंड का है, जिसमें सभी काले रंग की गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। युवाओं ने गाड़ियों के सनरूफ और खिड़कियों से बाहर निकलकर रील बनाई। ये युवक न केवल रील बना रहे थे, बल्कि पूरी सड़क को घेर कर भी चल रहे थे। माना जा रहा है ये वीडियो अगस्त महीने का ही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर, जहां पर टमाटर को लेकर कांग्रेस ने अनोखा सा प्रदर्शन किया। दरअसल लोगों में टमाटर को प्रसाद के तौर पर बांट दिया गया। इस तस्वीर में आप जो देख रहे हैं, वो तस्वीर टमाटर के बढ़े दामों के विरोध की कहानी कह रही है। लोगों को प्रसाद की तरह दोने में टमाटर रख कर दिया जा रहा है। रायपुर में कांग्रेस ने अनूठे तरीके से विरोध किया। कांग्रेस ने बुढ़ेश्वर मंदिर के सामने चौक पर टमाटर का प्रसाद बांटकर महंगाई पर विरोध जताया। रायपुर में लंबे समय से टमाटर काफी महंगा बिक रहा है, जिसकी कीमत 200 रुपए के पार चली गई थी, जो कि इस वक्त भी करीब 120 रुपए किलो बिक रहा है। बात झांसी की, जहां के हनुमान मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश दान पात्र को ही उठाकर ले गए और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। झांसी में चोरों ने कमाल का दुस्साहस दिखाया है, जहां एक हनुमान मंदिर में 6 फीट लंबा और करीब 100 किलो वजनी दान पात्र चोरी करके ले गए। चोरी की ये घटना मंदिर में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीर में दो चोर दान पात्र को उठा कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका तीसरा साथी हाथ में रॉड लिए जाता दिख रहा है। मंदिर में दान पात्र ले जाते हुए दो लोग दिखाई दे रहे हैं और इसमें इनका चेहरा अस्पष्ट आया हुआ है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, ये जल्द ही हम इन दोनों लोगों को पकड़ेंगे। बात यूपी की, जहां के फर्रुखाबाद में दो सांड आपस में भिड़ गए। तस्वीरें सामने आई, जब तक इन दोनों सांडों की लड़ाई खत्म नहीं हो गई, आसपास के दुकानदारों की सांसें अटकी रही। देखिए, बीच शहर फर्रुखाबाद में दो सांडों के बीच खतरनाक तांडव देखने को मिला है। वीडियो में दो सांड आपस में लड़ रहे थे। सड़क पर सांडों को लड़ता देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। बीच सड़क पर लड़ते लड़ते दोनों में से एक सांड सड़क के किनारे बनी नाली में गिर गया। वीडियो में एक व्यक्ति डंडे से सांडों को भगाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों सांडों के बीच लड़ाई होती रही। काफी देर तक लड़ने के बाद दोनों सांड अपने आप ही शांत होकर चले गए। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से खबर, जहां पर चलती बाइक में अचानक से आग लग गई। बाइक सवार ने कूद कर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। लोअर बाजार से आ रही एक बुलेट मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। चश्मदीदों के मुताबिक बाइक सवार को आसपास के लोगों ने शोर मचाकर बताया कि बुलेट के पिछले हिस्से में आग लगी हुई है। आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया।
इसी दौरान धमाके की आशंका से कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकान के शटर को नीचे कर दिया। पासी के एक दुकानदार ने मोटरसाइकिल पर पानी डाल किसी तरह आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि बाइक सवार को कुछ नहीं हुआ और वो पूरी तरह सुरक्षित है। बिहार से खबर, जहां पर सीवान में कपड़े के शोरूम में भीषण आग लगने से लाखों के सामान का नुकसान हुआ। बिहार के सीवान में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। कपड़े की दुकान धू धू कर जलने लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना नगर थाना क्षेत्र के जेपी चौक के पास की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात 9 बजे अचानक कपड़े के शोरूम में आग लग गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आग की तेज लपटे निकलने लगी और देखते ही देखते दुकान पूरी तरह राख हो गई। बात तुर्की की, जहां के एक अनाज भंडार में जबरदस्त ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आने से 10 लोग घायल हो गए हैं। पश्चिमी तुर्की में डेरिंस बंदरगाह के पास मौजूद एक अनाज भंडार में जबरदस्त विस्फोट हुआ है, जिसकी वजह से कम 10 लोग घायल हो गए हैं। बंदरगाह में मौजूद सीसीटीवी फुटेज में विस्फोट के क्षण को दिखाया गया है। विस्फोट की वजह के बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर विस्फोट से जुड़े कई वीडियो भी सामने आए हैं। पुर्तगाल में जंगल की आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अब आग बुझाने के लिए 2000 फायर फाइटर्स को डिप्लॉय किया गया है। पुर्तगाल के जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। मौसम विभाग ने 40 से 43 डिग्री के बीच तापमान के पहुंचने की आशंका जताई है। इस बीच आग पर काबू पाने के लिए 700 दमकल गाड़ियों के साथ 2000 से ज्यादा फायर फाइटर्स को भी लगाया गया है। 14 विमान भी लगातार आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं। पुर्तगाली मीडिया के मुताबिक नेशनल रिपब्लिकन गार्ड ने कई घरों को पहले ही खाली करा लिया है। चीन की राजधानी बीजिंग में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बीच 105 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 1000 ट्रेन यात्रियों को बचाया गया। देखिए तस्वीरें। इन दिनों बीजिंग भारी बारिश का सामना कर रहा है। इस बारिश में कई ट्रेन भी फंस गई, जिसमें 1000 से ज्यादा यात्री मौजूद थे। सभी को बचाने के लिए 105 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 1000 यात्रियों को बचाया गया। 29 जुलाई को 8 बजे से 2 अगस्त को 7 बजे तक हुई बारिश ने बीजिंग में 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बचाव कर्मी जमीन, रेल और दुर्गम पहाड़ी रास्तों से यात्रियों तक पहुंचे। भारी बारिश की वजह से कई ट्रेनों से संपर्क भी कट चुके थे। अमेरिका के अलास्का से खबर है, जहां पर अचानक से आई बाढ़ में कई पेड़ टूटकर नदी में बह गए। 2 मकान भी नदी की धारा में समा गए। अमेरिका के अलास्का का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखते ही देखते कई पेड़ और घर बाढ़ के सैलाब में बह गए। एजेंसी के जारी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पहले जमीन कटती है और फिर एक एक करके पेड़ गिर जाते हैं। यही नहीं, वीडियो के आखिरी में कुछ मकान भी बह जाते हैं। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे अलास्का में बाढ़ आई हुई है। बाढ़ के बाद अलास्का के जूनो शहर में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है।